नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे दो गहरे टॉपिक ओशो जी के बुक से, घृणा और ईर्ष्या का उपयोग। उपयोग यानी हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ओशो हमेशा कहते हैं इस दुनिया में एवरीथिंग इज कनेक्टेड, सबका कुछ कारण होता है, सबका कुछ उपयोग होता है। तो किसी ने पूछा ओशो जी से कि अगर घृणा और ईर्ष्या ये अपने अंदर भाव आते हैं तो उसका क्या उपयोग है और क्या उपयोग हम कर सकते हैं। ओशो जी ने कहा कि क्रोध ना हो तो करुणा का इम्पोर्टेंस हमको नहीं पता चलेगा, अगर रात अंधेरी ना हो तो दिन का उजाला का आनंद हमको नहीं पता चलेगा। वैसे ही घृणा ना हो तो प्रेम के बारे में हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि घृणा का मतलब क्या है, किसी से दूर जाने की इच्छा, किसी के पास नहीं रहने की इच्छा। लेकिन जिस समय आप पूरे संसार से दूर जाते हो तो किसी के पास जाते हो, तब जन्म होता प्रेम। किसी के पास रहने का मन करे तो उसको हम प्रेम बोलते हैं। लेकिन घृणा एक सीढ़ी है मकान तक पहुंचने के लिए, मकान नहीं। तो कभी भी घृणा में वहीं पे हमको रुकना नहीं चाहिए, अगर रुक गए तो वो गलत हो गया। तो घृणा है सीढ़ी प्रेम तक पहुंचने के लिए। जैसे एक जहर को अच्छी तरह से हम उपयोग करेंगे तो उसको औषधि बना सकते हैं, तो वैसे ही घृणा के भाव को अच्छी तरह, बुरी चीजों से घृणा यानी उससे दूर जाना और अच्छी चीज से प्रेम करना, उसके पास जाना, पास रहना, ये उपयोग हम घृणा के भाव का कर सकते हैं। और जिसके अंदर घृणा का भाव आ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो पात्र होता है प्रेम के भाव का। घृणा का एक और मतलब भी ओशो जी ने बताया है कि घृणा का मतलब विध्वंस, जिससे हम घृणा करते हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो इसमें भी उन्होंने ये समझाया है कि जहां पर डिस्ट्रॉय विनाश है वहां पर क्रिएशन का भाव भी है। जैसे कि हम एक मकान नया बनाना चाहते हैं तो वहां पर ऑलरेडी जो पुराना मकान है या पुरानी जगह में है उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, क्लीन करते हैं, तो फिर उसके बाद नया बनता है। किसी को आप अच्छा हेल्थ देना चाहते हो तो पहले उनके बॉडी से बीमारी को नष्ट करना पड़ता है, तो उसके बाद उनका अच्छा स्वास्थ्य देते हैं। तो वैसे ही विध्वंस का अच्छा उपयोग करना चाहिए नया क्रिएशन में, क्योंकि जिससे आप नफरत करते हो उनका आप विध्वंस करना चाहते हो, और जिससे आप प्रेम करते हो उनका नया निर्माण, उनको लाइफ में कुछ आगे बढ़ाना चाहते हो, तो विध्वंस का भाव निर्माण में आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग एटम बम का क्रिएशन करते हैं पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी चीज क्रिएट करने के लिए कुछ पुरानी चीज डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो डिस्ट्रॉय का भाव है तो उसको क्रिएशन में लगाइए। नेक्स्ट ईर्ष्या का भाव। ईर्ष्या का भाव का मतलब होता है किसी के पास है वो हमको चाहिए, वो हमारे पास अभी नहीं है। तो ओशो कहते हैं हम अक्सर ऐसे लोगों से ईर्ष्या करते हैं जिनके पास कार है, जिनके पास अच्छा ड्रेस है या जिनके पास मकान है, एग्जाम्पल। लेकिन अगर हम उनसे हम ईर्ष्या करेंगे तो वो गलत ईर्ष्या है, तो उससे हमारा कुछ नहीं होगा और उनका भी, वो पाकर भी उनका भी कुछ हुआ नहीं है। तो ओशो कहते हैं ईर्ष्या ही करना है तो उनसे कीजिए जिसने ईर्ष्या को ही जीत लिया, जिनके पास ईर्ष्या है ही नहीं, यानी बुद्ध पर्सन को। क्योंकि हो सकता है जिसका मकान देकर आप ईर्ष्या करते हो वो आपको देकर ईर्ष्या कर सकता है कि ये कितना सुखी है, शांति है। तो ऐसा हर जगह होता है। तो ईर्ष्या जब भी हो, अच्छे इंसानों से हो या फिर जो बुद्धित पर्सन है जिनके अंदर ईर्ष्या नहीं हो, वैसे इंसानों से हो कि मैं उस जैसे बन सकूं, तो वो अच्छी ईर्ष्या है और आपको आगे बढ़ाएगी। वरना आप ईर्ष्या में ही रुक गए, और ईर्ष्या में रुकना नहीं है, उनसे वापस सीखना है, उसमें वो अपने लाइफ में अप्लाई करना है। लेकिन आप ईर्ष्या में रुक गए तो वो गलत ईर्ष्या है, तो वो आपका नुकसान देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने घृणा और ईर्ष्या के बारे में थोड़ा समझाया और उसको कैसे हम उपयोग कर सकते हैं जैसे ओशो जी ने हमको समझाया है उनके वीडियो में। वो लिंक हमने अटैच किया हुआ है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर देखना और भी प्रेफरेंस के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसा वीडियोस में और बना सकूं, इंस्पायर हो सकूं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।